सफा नंबर 116 हम लोग कर रहे थे। बोर्ड में हम लिख दिया है दो कारण अब तक हम लोग किए हैं, किसका, फा का दाखिल होना जवाबु शर्त पर। फा कब दाखिल होता जवाबु शर्त पर, जब जवाबु शर्त क्या हो, इस्मिया, हमारे जुमला इस्मिया, और क्या हो जवाबु शर्त, तलबी फेल हो, तलबिया, तलबिया से मरा तलबी फेल हो, फेल अमर हो, चाहे फेल अमर हो या चाहे ला लामुल अमर के साथ अमर हो, या ला ना आया हो, या इस्तेफामिया जुमला, तो फा लग जाएगा जवाबु शर्त। ठीक है, इस्मिया हो गया, तलबिया हो गया, और भी कारण है बहुत सारा, रोजी करके देखेंगे हम लोग। सात नंबर, कितना नंबर पढ़ना, सात। ठीक है, ईजा, ये मुस्नद अहमद की हदीस, ईजा समीउतुम, जब तुम लोग सुनो, बिता बिता उनी ताउन, ताउन मतलब प्लेग, फैलने वाला जो बीमारी है, बिता उनी इजा समय तुम भी ताउन, या तुम से लोग सुनो ताउन के बारे में, ताउन के बारे में सुनो, तो ताउन कहाँ पर आया है, फी हर दिन, किसी भी एक जमीन, किसी भी जमीन में तुम्हें पता चला, तुम सुनते हो, इजा समय तुम बी माने बारे में, ठीक है, बी ता बी ताउनी फी हर दिन, मैंने कोई भी एक अर्थ में जमीन में, अगर जमीन में ताउन के बारे में तुम अगर सुनते हो, सुनो, फला तदखुलूहा, मत दाखिल हो उस जगह में, ठीक है, कौन सी जगह में, हा क्यों आया यहाँ पर, फला तदखुलू हा, जमीन मुअन्नस है, अर्थ अर्थ ये मुअन्नस है, फला तदखुलू हा, तो मत दाखिल हो वहां, मत दाखिल होना वहां, वहां मतलब कि अगर कहीं प्लेग बीमारी के बारे में सुनो, ये फैलने वाली बीमारी है, कोई एक जमीन पे हुआ, तो उस जमीन में सफर मत करो, वहां पर मत जाओ। और क्या हदीस में, वाइजा वका, और जब वो वाके हो, वका माने वाके होना, घटना होना, और जब वे वाके हो, बी अर्दिन, जमीन में, जमीन में, कोई भी एक जमीन में वाके हो, जमीन कौन सा जमीन है, वअंतुम बिहा, और तुम हो उसमें, ये वाह वाह हालिया है, जबकि तुम हो इस हाल में कि तुम हो उसमें, मतलब फिर रिपीट कर दे, वाइजा वका बी अर्दिन, और वो, और जब वो वाके हो ऐसे जमीन में, हर दिन, ठीक है, वहां तुम भी हा, इस हाल में कि तुम वहां हो, मैंने ऐसे जमीन में दाखिल हो जहां पर तुम हो, तुम वहां मौजूद हो, और वहां पर ये बीमारी आ चुका है, ठीक है, तो वाह हालिया है, वहां तुम भी हा, जबकि तुम वहां हो, या फिर इस हाल में कि तुम वहां पर हो, मौजूद हो, फला तखरुजू, मत निकलना, मिन हा उस जमीन से, उस जगह से मत निकलना, क्यों, ताकि बीमारी ना फैले, बचाया जाए, बीमारी बीमारी ना फैले, स्प्रेड नहीं हो, ठीक है, साथ साथ ये भी मोमिन का ईमान होता है कि बीमारी जो फैलता है अल्लाह की मर्जी से ही फैलता है, सबक नहीं मिलता, ठीक है, दोनों का लिहाज करना है, ख्याल करना चाहिए, उसको इसका फैलने वाली बीमारी, क्या बोलते हैं, बवाली, क्या तो इसका जो है, अपने तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह पर, ये भी ध्यान देना चाहिए, अपने भी क्या करना चाहिए, हम लोगों को सेफ करना, से अपने आप को बचाना चाहिए जितना हो सके, जितना ताकत हो, बचाने के लिए तो वहां से भागेगा, हाँ भागेगा, बचाने के लिए वहां जाना नहीं है अपने, बचाने के लिए आपको नहीं दूसरा को बचाने के लिए जो है, जहाँ पर सुने समझ में आपको आ रहा है, तो नहीं,
जिसको हो गया उसका बारे में। हाँ वाला तखर जो वहां से निकलना जिसको हो गया वो नहीं, कोई भी नहीं निकले वहां, कोई भी कोई भी कोई भी कोई भी का बात हो रहा है हमारे से। सेहत हो या जैसे सही हालत में हो। और क्या बोलता है सूरह कहफ में, सूरह कहफ वाले ने एक उसूल निकल रहा है कि तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, खुद भी मेहनत करना चाहिए मुसीबत से बाहर निकलने का। यानी कोई भी एक काम करना है तो दुआ अल्लाह से होगा, साथ अपने भी क्या करेंगे उसके साथ साथ मेहनत करेंगे। कहफ वाले ने क्या किया, अल्लाह से मदद ही मांगा, लेकिन पहले क्या किए, पहले वहां से भागे कहाँ पर, गार में जाके छुपे छुपे, उसके बाद दुआ किया। वहां बैठे बैठे तो नहीं छुपा गया, जब उसको बादशाह पकड़ के रखा था तो उन सबको क्या अल्लाह बचाइए, नहीं मेहनत किया, दिमाग लगाया, नहीं भागना है ऐसे, भागा और तब जाकर अल्लाह से दुआ किया। तो दोनों काम होगा, दुनियावी भी होगा और दीनी भी होगा, दोनों चीज को लेकर चलना पड़ेगा। और जैसा हदीस में है ना कि ऊंट को बांधो और अल्लाह पर तवक्कुल करो, तो दोनों चीज के हिसाब से। उसके बाद आठ नंबर, वइज़ा नअसा, नअसा माने ऊंग आए, जब जब तुम जब ऊंग आए अहदुकुम, तुम में से किसी को ऊंग आए, नींद आए, नींद आने लगे, वइज़ा नअसा अहदुकुम फी सलाती, सला में नमाज में अगर किसी को ऊंग आने लगे, ऊंग आए जब, फल या नम, तो उसे चाहिए कि वो सो जाए, नामा या नामू था, ली या नम, लेकिन फा आ गया तो पता है ली या नम से लाम पर सुकून आ जाता है, कायदा पर चुके लामू लमर का, वो फल या नम हो गया, फली या नम नहीं, फल या नम फा के वजह से, तो फल या नम उसे चाहिए कि वो सो जाए, हत्ता कब तक, तब तक, कब तक से वो तब तक, जब तक क्या, हत्ता यहां तक के, उसे चाहिए कि वह सो जाए यहाँ तक के, या अलमा वो जाने, मा यकरा जो वो कह रहा, यहाँ तक कि वो जाने जो, ठीक है, जब जो वो पढ़ रहा हो, मतलब कि उसे चाहिए कि वो सो जाए यहाँ तक कि इतना ताकत उसे आ जाए, एनर्जी आ जाए कि फिर जब वो नमाज पढ़े तो उसे समझ में आए क्या पढ़ रहा, उसे पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है, जो उसे पता चले कि वो जो वो पढ़ रहा है, मा मौसूल यहाँ पर, हत्ता यालमा, यालमा मनसूब हो गया, क्यों मनसूब हुआ, हत्ता हत्ता, यह हम लोग आगे जाके देखेंगे, हत्ता हर जर है, ठीक है, हत्ता के बाद असल में अन एक छुपा हुआ है, अन अन मनसूब करता है हत्ता के, अच्छा ठीक है, हत्ता में एक अन मुदमरा है, अन मुदमरा मतलब छुपा हुआ है, हत्ता के बाद क्या है, एक अन है, ठीक है, हत्ता का मुख्तलिफ माने हैं, यहाँ पर हत्ता के बाद एक अन छुपा हुआ है जिसके वजह से या लमू से या लमा हो गया। तर्जुमा क्या होगा हदीस का, जब तुम में से किसी को ऊंग आए, नींद आने लगे, स्लीपी महसूस हो, ड्राउजी महसूस हो, फिर सलाती नमाज में, फल या नम उसे चाहिए कि वो सो जाए, हत्ता यहाँ तक के, या अलामा वो जाने, मा यकरा हो जो वो कह रहा हो। क्राइटेरिया है कि नमाज जब पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो, समझ में आना चाहिए तुमको, क्लियर होना चाहिए तुमको जो तुम क्या पढ़ रहे हो, मतलब क्या कि फजर का नमाज फर्ज नमाज पढ़ने जाए तो सो जाए, फर्ज नमाज पढ़ने के वक्त नींद आए तो नहीं, ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए, ऐसा शेड्यूल होगा आपका, ऐसा सिस्टम होगा आपका कि आप जो फर्ज नमाज के टाइम पे आप नहीं सोएंगे, ऐसा अगर हम लोग अजीब हिसाब से सोएंगे तो फिर क्या होगा, फजर के फर्ज नमाज के वक्त में क्या नींद आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा होता है कि फर्ज नमाज के वक्त हमें अगर नींद आता है तो हम सोएंगे नहीं ताकि नमाज का वक्त क्या गुजर जाए, ऐसा भी नहीं है हदीस कि नमाज का वक्त पार हो जाए और हम सो के, नहीं, हम लोग को अपना आपको सिस्टम को चेंज करना होगा, ठीक है, उसके बाद अगर कोई नफली इबादत यानी अगर कर रहे हैं हम लोग हैं, या अगर वक्त है नमाज का मान लीजिए फर्ज के वक्त अगर है तो बाद नहीं पढ़ सकते, बेहतर है खैर अव्वल वक्त में पढ़ना, ठीक है, तो अगर नमाज छूट जाने का डर है तब नहीं सोना है ना, तब क्या अपने आप को बदलना है, अपने टाइम को बदलना पड़ेगा, ठीक है, हत्ता या लमा मा यकरा, लेकिन हदीस में क्या है कि उसे जानना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है नमाज में, लेकिन यहाँ पर बात है कि हम लोग होश आवाज में नमाज पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या अफसोस का मकाम है। हदीस में है कि नूंग आए तो तुम मत पढ़ो नमाज, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तुमको, तुम जान नहीं सकोगे तुम क्या पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो या बद्दुआ कर रहे हो, नहीं मफहूम इसका निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बात है कि मुसलमान आज पढ़ता है लेकिन होश आवाज में पढ़ता है लेकिन समझ में नहीं आता उसको कि वो जो पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, तो इसका ध्यान देना चाहिए हम लोग कि नमाज जो है समझना है, पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए अरबी आना चाहिए, आदमी कोशिश करना चाहिए अरबी ज्यादा से ज्यादा जितना इल्म हासिल कर सके करे वो।
غلاموں کے لیے آسان کرے. نو نمبر اذا اقیمت الصلاۃ. اوپر والا حدیث کیا بخاری مسلم دونوں کا حدیث اوپر ہے جو بھی گزرا ناسا. اذا اقیمت الصلاۃ جب صلاۃ کھڑی کی جائے اقاما یقیم. کیا فعل ہے؟ اقاما یقیم. اقاما یقیم قائم کرنا کسی چیز کو قائم کرنا. اقاما یقیم اس کو مجھول کیا گیا ہے اسے قائم کیا جائے. میں نے کیا کرنا اسے قائم کیا جائے تو کیا ہوگا اصغر بھائی چینج کیسے کریں گے ہم لوگ؟ یہ پتہ ہوگا اقیما پولا اسرا کرنا ہے اسرا ہوگا تو یہ بدل جائے گا اس میں یا میں یام ہو جائے گا یام ہو جائے گا اور یہ دما ہو جائے گا اقیما. لیکن منصوب یہاں مؤنث ہے کیوں؟ کیونکہ صلاۃ مؤنث ہے. ٹھیک ہے تو تانی سی اذا اقیمت الصلاۃ جب صلاۃ کو کھڑا کیا جائے میں نے صلاۃ کو جب قائم کیا جائے میں نے اقامت جب دے دی جائے نماز کی اقامت جب دے دی جائے فلا صلاۃ تو کوئی نماز نہیں الا المکتوبہ الا المکتوبہ سوائے مکتوبہ کے. مکتوبہ معنی کتب یکتبو مکتوب معنی لکھا ہو لکھا ہو میں نے فرض کیا ہو مطلب اذا اقیمت الصلاۃ جب نماز کے لیے اقامت دے دی جائے جب نماز کے لیے اقامت دی جائے فلا صلاۃ تو ہرگز کوئی نماز ہے ہی نہیں الا المکتوبہ سوائے اس کے مگر کس چیز کے کون سا نماز کے فرض نماز تو فرض نماز کے لیے اقامت دے دیا جائے تو آدمی سنت پڑھ رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ کر کے فرض میں جوائن کر لینا چاہیے. مکتوبہ میں ایسا ورڈ ہے فرض نماز کو کیسے پہلے نکالے مکتوبہ تو معنی مفروض فرض یا فرض مفروض فرض کیا اس معنی اس میں تعویل پتہ نہیں کیا ہے نا آپ کا تعویل روزہ میں بھی ہے. 10 نمبر قال الشاعر تو قرآن بھی آ گیا حدیث بھی آ گیا آپ شعر شاعری آ رہا ہے. قال الشاعر شاعر نے کہا کون شاعر ہے پتا نہیں ہے انونیمس ہے نام پتا نہیں. اذا لم تستطع کون سا فعل ہے آپ استطاع یستطیع ٹھیک ہے استطاع یستطیع یہ کیا باب نمبر 10 طاقت رکھنا قوت رکھنا کوئی کام کرنے کا استطاعت معنی ability to have the ability ٹھیک ہے طاقت رکھنا کوئی کام کرنے کا استطاعت رکھنا ٹھیک ہے وہ معنی. لم تستطیع معنی انتا کے لیے تم استطاعت رکھتے ہو لم تستطیع تم استطاعت نہیں رکھتے نہیں ہے تمہارے اندر استطاعت تو لم نے آ کر کے فعل مضارع کو کیا کیا تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے ٹھیک ہے. اذا لم تستطع اگر اذا من جب تم استطاعت نہیں رکھو اذا کیا کرے گا مستقبل میں کر دے گا. اذا لم تستطع اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے اگر تمہارے اندر استطاعت اگر نہیں ہو اگر تم نہیں کر سکتے کون سا شیئا کچھ بھی چیز اگر تم کوئی چیز کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں اذا لم تستطع شیئا اگر کوئی چیز کرنے کی استطاعت تم نہیں رکھتے ہو فدع طلب میں سے آ گیا طلب ٹھیک ہے چھوڑ دو اسے کوئی چیز اگر تم کرنے کی استطاعت صحیح سے نہیں کر سکتے تم اس کو کیا کرو چھوڑ دو. وجاوز جاوز یجاوز جاوز خاطب یخاطب خاطب یہ سینٹنس کا طلب والا ہوا وہ امر ہوگا کون سا جو بھی پڑھا ہم لوگ طلب ہاں دعو طلب بھی تو امر ہوا طلب مطلب ہی تو امر طلب مطلب امر بھی نہیں بھی اور امر کے اندر طلب آتا ہے طلب کے اندر امر آ رہا ہے ٹھیک ہے طلب کے وہاں طلب ہوا اس لیے فا لگ گیا فدعو چھوڑ دو اسے اور جاوز یجاوز وجاوز جاوز مطلب کسی چیز کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ جانا کوئی چیز تھا اس کو چھوڑ کر کے ہم آگے بڑھ گئے وجاوز اور آگے بڑھو ٹھیک آگے بڑھو چھوڑ کر کے اس کو چھوڑ کر کے آگے بڑھو الا کس چیز کی طرف آگے بڑھو چھوڑ کر کے کسی چیز کو چھوڑ کر کے آگے بڑھنا
इला मा तस्ततीउ उस चीज के तरफ जिसकी तुम इस्तेताअत नहीं रखते हो। इला मा, मा माने अल्लज़ी, मा मतलब यहाँ पर अल्लज़ी मौसूल माना, इला मा उस चीज के तरफ जो या जिसकी इस तस्ततीउ इस्तेताअत तुम रखते हो। यहाँ तस्ततीउ में या है, तीउ वहां पर तत्ती इस्तेतीउ वहां मज़ूम था, लम लगने की वजह से था, इज़ा का वजह नहीं है। मा तस्ततीउ तो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो उस चीज के तरफ जिसकी तुम इस्तेदाद रखते हो, तुम करने की ताकत रखते हो। ये हुआ शेर। अब शेर का कमाल क्या है, देख रहे हैं, अच्छा ही बात है, जो चीज को तुम नहीं कर सकते उसको छोड़ो, वो काम करो जो तुम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लम तस्तती है, मैंने माली कर रहा फिर। हाँ, तो लम तस्तती में क्या हुआ, पहले से मुदारे था तस्तती और लम आकर के माली कर दिया, ईजा आके फिर मुदारे कर दिया, ईजा जब आया तो मुदारे मुस्तकबिल कर दी, लब ने आके उसको मादी किया, माजी का माने किया। हाँ, माजी का माने किया, ईजा आकर के क्या किया, मुदारे मुस्तकबिल कर दिया। अच्छा, ऐसा हालत में ईजा के अलावा कोई ऐसा चीज हो जो फा दे तो इसमें लगेगा फा, अगर जवाब में ऐसा हो तो लम लग के, समझे नहीं हम, लम तस्तती लम लग के अगर जवाब में हो, जवाबु शर्त में लम के साथ कोई अगर फेल हो मुदारे तो उसमें फा लगेगा, लगेगा लम के बाद फा लग जाएगा। हाँ, मतलब उसमें इसमें ना मुदारे जवाबु शर्त में अगर लम के साथ नहीं, लम लम में नहीं लगता है, लम वो जवाबु शर्त में लम में नहीं लगता, उसको मैंने एज ए मुदारे ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ, लम मतलब लम अगर लम जवाबु शर्त में अगर लम आए लम के साथ मुदारे है हाँ तो उसमें पा नहीं देंगे, नहीं पा नहीं रहेगा उसमें, वो कायदा में तो नहीं आया अभी तक। ठीक है, खैर देखेंगे इंशाल्लाह कब आ सकता है, देख लेंगे। अच्छा, ये पूरा शेर को अगर हम लोग गलत इस्तेमाल करें तो आपकी क्लास आने का पढ़ने का इंतजार नहीं है मेरे अंदर, छोड़ के बात क्या झूठ है, आप अकेले इस्तेमाल नहीं करके इसको कह रहे हैं, आपने सही बात नहीं कहा, इस्तेदार नहीं है, गलत है, आप नहीं क्लास छोड़ो, कुरान कहता है कि इस्तेदार से पहले वक्त दे, अच्छा फिट कर दिए शेर को, हां है बर मत कीजिएगा। 11 नंबर, काला शौकी, उन शौकी ने कहा, काला शौकी मिस्री शायर है, फी मदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह के नबी की तारीफ में शौकी कहता है, शौकी ने कहा क्या कहा, वाइजा रहीम था, जब आप रहम करते हैं और जब आप रहम करते हैं, फानता उम्मुन व अबुन, तो आप माँ है या बाप है, मतलब माँ या बाप की तरह आप रहम करते हैं, आपको इतना उम्मती से लगाव है। वइज़ा रहम रहीम रहीम था रहीम अगर हम रहम करना, जब आप रहम करते हैं, अंता उम्मुन व अबुन, जुमला इस्मिया है तो फानता उम्मुन व, तो आप तो बाप है या आप तो माँ है या बाप है, मतलब आपका इतना लगाव है उम्मती से, इतना मोहब्बत है, तो रहीम था कैसे उसका तावील करेंगे, अल्लाह के नबी तो मौजूद नहीं दुनिया में, तो हम काबिल से ऐसा करेंगे, अल्लाह के नबी हदीस के जरिए से रहम करते मोमिन, पता नहीं शायर का क्या नियत था बोलने का, आप रहम जवाब रहम करते हैं, ठीक है, हदीस के जरिए से हदीस आज पढ़ते तो अल्लाह के नबी ने रहम किया हम पर बहुत सारे चीज़ों उस माने में रहम करना, ठीक है, वो इंसान भी रहम कर सकता है ना, रहीम नाम हो सकता है इंसान का, हो सकता है, कोई हलीम नाम हो सकता है इंसान का, भी हो सकता है, तो नाम है, कुछ नाम हो सकता है कुछ नाम नहीं हो सकता, अल्लाह का नाम बंदा का नाम भी हो सकता है, लेकिन बंदा में जो सिफत है अल्लाह में सिफत उसका बहुत फर्क है, अल्लाह में आला सिफत, बंदा में कमी वाला सिफत, ठीक है। ये चैप्टर है अस्मा व सिफात का, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर, उसको कोई पढ़िए, उसकी मतलब कोई किताब से अच्छा, दो नंबर क्या, अदखिल दाखिल कीजिए, इज़ा को फी जुमलतैन दो जुमलों में, कौन से शर्त पर, अला अन यकूना जवाबुहा खालियन मिन अल्फाई, इस शर्त पर कि जवाब जो है खाली होना चाहिए फा से, फा जवाब में नहीं होना चाहिए, मैंने दो जुमला बनाइए जिसमें जवाब फा नहीं हो, अक्सर मैं पहला जुमला बनाइए इज़ा से जिसमें फा नहीं होना चाहिए जवाबु शर्त में, कोई भी जुमला बताइए इज़ा से जिसमें फा नहीं होना चाहिए जवाबु शर्त में,
बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। ऐसा जुमला बनाना है जिस जो जिसमें फा नहीं हो जवाबु शर्त में। अपने से बनाइए कुरान की आयत होगी, अपने से जुमला बनाइए जिसमें फा नहीं होना चाहिए। इसी से कुछ बनाइए तोड़ करके, मतलब अपने दिमाग में लगा करके, जिसमें फा नहीं होना चाहिए। फा नहीं होने क्या है क्राइटेरिया? अम्र नहीं, नहीं, तल्बीय इसमें नहीं होना चाहिए। इस जुमला फेलिया हो, ऐसा जुमला फेलिया बनाइए कुछ जो फर मतलब फेल अम्र नहीं हो, मादी का साथ नहीं, नहीं फेल मादी हो। बताइए इजा ये अच्छा एक्सरसाइज है, इसको अगर घर में कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। ये टास्क घर में करने के लिए रहेगा आपके लिए। बताइए कौन बताएगा? फरहान बताएगा। फरहान अताब भाई बताइए इजा से जुमला हल्लुत्तमारीन, अगर आपके पास में तो उसमें आप देख सकते हैं हल्लुत्तमारीन में पूरा हल दिया हुआ है ना। क्या है किताब है किसी पास हल्लुत्तमारीन? क्या जुमला दिया हुआ देखिए ठीक है। ये चैप्टर में क्या होगा, ये मश्क में की एक्सरसाइज हो जाएगा आपका, जुमला आप बना सकते हैं। क्या आता है क्या दिया हुआ जुमला? कितना मुश्किल लग रहा है बनाना, थोड़ा सोचिएगा लेकिन आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जुमला बनाना है फा नहीं हो, जुमला फेलिया आपको शर्त में रखना है, बस जवाब में रखना है। तो ये आपको घर में करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्या करना है, अदखिल इजा फी अरबाई जुमलिन अला अन यकुन अल जवाब। मैंने पहला आपको करना है दो जुमला बनाना है, फा नहीं होना चाहिए जवाब में। दूसरा चैप्टर में दूसरा मश्क में क्या है कि चार जुमला बनाना है जिसमें पहला में क्या होगा फिल अव्वली फिल उला जुमला तन इस्मिया, अच्छा जुमला इस्मिया होना चाहिए ठीक है। दूसरा मतलब जाहिर सा बात है चारों जो है ना चारों में फा होगा। फिल उला जुमला इस्मिया होना चाहिए पहला में, दूसरा में फिसानिया फेल अम्र होना चाहिए, फिसालिस फेल मुदारे मुख्तरिनन भी लाम लाम फेल मुदारे जो लाम लाम लगा हुआ ठीक है। चौथा में मुदारेन मुख्तरिनन भी ला नाहिया, समझ में आया? पहला में जुमला इस्मिया जवाब होगा, दूसरा में फेल अम्र जवाब होगा, तीसरा में लामुल अम्र के साथ जवाब होगा, चौथा में ला नाहिया के साथ जवाब होगा। तो इसमें क्या होगा चारों में फा लग जाएगा, चारों में क्या फा लगेगा। छह जुमला आपको बनाना है, अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का, जो कायदा आप सीखे हैं। नहीं समझ में आया तो किसी कोई चीज का मदद ले करी, हल्लो तमारीन से मदद ले करी ठीक है। ये अगर बना लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, इन इन और मन मा वगैरह, इन जो हम लोग अभी तक किए हैं कायदा कर चुके हैं हम लोग करेंगे, और क्या करेंगे और कब फा लगेगा और कब कब फा लग सकता है वो हम लोगों को करना है। और कोई सवाल है तो पूछिए, डेढ़ मिनट बाकी है। कोई सवाल है क्लास के मुताबिक तो पूछिए, इजाज में कोई सवाल फरहान या नमीज भाई? अगला नंबर चैप्टर इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है अगला हफ्ता एग्जाम होगा इंशाल्लाह, जिसमें इजा भी आ सकता है। कुरान एग्जाम जो होगा कुरान हदीस पर ही मबनी होगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कुरान और हदीस ही हो एग्जाम होगा, पढ़ने वाला क्लास कर लेंगे। अच्छा चलिए एक सवाल है आप लोगों से करते हैं, कौन सा कुरान में सूरह है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ पूरा लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह सूरह नंबर 59 में। चलिए सवाल है कोई लीजिएगा,
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ کون سا سورہ میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک